हे गाइस, वेलकम बैक अगेन विद माय न्यू वीडियो। सो गाइस, कैसे आप सभी लोग? बहुत ही बढ़िया, होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज पूरे दिन में वीडियो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, गला बिल्कुल ख़राब था। रेस्ट में पूरा दिन निकल गया और आप लोगों को कुछ रिकॉर्ड नहीं मिल पाया। कल वीडियो नहीं आ पाती अगर अभी वीडियो नहीं बनाता तो। अभी मैं सोच रहा था अंडा करी बनाने की। एग मैंने बॉयल कर लिया और ये मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा आपको कि अंडा करी कैसे बनाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, बने रहिए मेरे ब्लॉग चैनल पर, देखते रहिए वीडियो, पूरी वीडियो देखना। और पहले लाइक एंड कमेंट कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना आपके भाई के चैनल। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बनाएंगे अंडा करी, उसकी पूरी वीडियो होगी ये ट्यूटोरियल वीडियो। सबसे पहले अंडे को हमें बॉईल करना पड़ेगा, तो मैंने फ्रिज से अंडे निकाल लिए और इसको इसमें कढ़ाई में डाल के पानी डाल के बॉईल करते हैं पहले। तो गाइस, ये अंडा करी की रेसिपी मुझे मेरी मम्मी ने सिखाई है, तो पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो बहुत ईजी रेसिपी है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। सो गाइस, बॉईल करते टाइम इसमें हम थोड़ा नमक ऐड कर देंगे, इससे अंडे टूटते नहीं है और परफेक्ट बॉईल हो जाते हैं। इनको बॉईल होने देते हैं 5 मिनट। तो गाइस देख लो, पानी बॉईल होने लगा है, इसका मतलब हमारे अंडे भी उबलने लगे हैं। तो गाइस, हमारे अंडे बॉईल हो चुके हैं, इसलिए मुझे ऐसा पता चला कि ये अंडा फट चुका है। थोड़ी तब तक मैं प्याज काट लेता हूँ। 3 से 4 प्याज काट लेते हैं और 2 या 3 बिल्कुल रेड रेड टमाटर काट लेते हैं। इनफ प्याज, छोटे टमाटर है इसलिए 3 लेते हैं। सबसे पहले हम अंडे को करेंगे बॉईल, और अंडे को मैंने 1/2 पीस में काट लिया है ताकि अंदर से पक जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए, इसलिए काटा है। तो इस अंडों को टाइम आ गया खोलने का। अदरक भी डालते हैं। देख रहे हो ये कैसे फ्लफी फ्लफी हो गया ऑयल। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ये अंडे का जो एग वाइट रहता है उसके चक्कर में हुआ है, तो इससे और भी बेहतरीन टेस्ट आएगा ग्रेवी में। ये जो ऑयल बच जाएगा उसमें हल्का सा ऑयल और ऐड करके हम मसाला तैयार करेंगे, तो और अच्छा स्वाद आएगा। सो गाइस, हमारे अंडे हो चुके हैं अच्छे से फ्राई। देखो गाइस, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं दोनों साइड से। निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं जीरा, तेज पत्ता और लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च और 4 से 5 काली मिर्च। ये डालने के बाद हम इसको करते हैं मिक्स। सबके बाद सबसे पहले हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, क्योंकि हमने खुद ही किया है। आप चाहे तो दुकान पे लिया हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम घर पर बनाया हुआ इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद डालेंगे हम प्याज। हींग भी उसी टाइम डालने का मैं भूल गया था, हल्का सा हींग भी डाल दिया जो कि स्वाद के लिए बहुत अच्छा होता है।
और प्याज जल्दी गल जाए इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे नमक। नमक जो है प्याज को जल्दी गला देगी। नमक हमें देना है स्वाद अनुसार। प्याज हो जाएगा ब्राउन, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। सुबह प्याज देख सकते हो गए अच्छे से ब्राउन फ्राई हो चुके हैं, ब्राउनिश कलर आ चुका है। तो अब इसमें हमें ऐड करने जा रहे हैं लाल टमाटर और हरी मिर्च। हरी मिर्च मैं इसलिए ले रहा हूँ स्वाद के लिए, हरी मिर्च अच्छा स्वाद। ये प्याज जब गल जाएंगे तब हम फाइनली इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले। इस पर हल्का हल्का हमें कल्ची चलाते रहना जिससे अच्छा से पिस जाए। मसाला लग रहा है फ्राई हो चुका है, टाइम आ चुका है सारे मसाले ऐड करने का। हल्दी मिर्च धनिया और गर्म मसाला सारे मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं डालूंगा इसमें मिर्च। मिर्च हमने हरी भी डाली है तो उसका भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद हल्दी, बाद में डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। इसमें हम डालेंगे घर का पिसा हुआ गरम मसाला, आप चाहे तो बाहर का भी यूज कर सकते हो। हल्का हल्का पानी ज़्यादा नहीं डालना। अच्छे से बन चुका है गाइस, इसको हल्का सा पानी और डाल के इसको थोड़ी देर तक और पका लेता है। तो हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है, देख सकते हो कितना मस्त कलर आ रहा है। तो पानी ऐड करते हैं अंडे जो फ्राई करके हमने रखे हैं यहाँ पे, ये रहे अंडे, उनको डालते हैं अंदर। पानी इनफ है इसमें, अब इसमें डाल देते हैं हम अंडे आराम से। तो रेडी हो चुकी है, अब इसका लास्ट स्टेप बताता हूँ आपको क्या करना है। गैस का फ्लेम करना है हल्का सा कम, इसमें हमें डालना है कोरिएंडर, धनिया के पत्ते स्प्रिंकल कर देना है। गैस का फ्लेम करना है फिर बंद। उसे थोड़ी देर के लिए ढक देना है।
सो गाइस इसको ढक के रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं, इसे निकालते हैं और इसे सर्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को। सो गाइस हमारी एग के अंडा करी तैयार है। सो गाइस होप आप सभी को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल और ऐसे ही और भी चीज़ों की अगर वीडियो चाहिए, कुछ सीखना हो, खाना बनाना, तो मुझे सारी चीज़ें आती हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो बस ये निकाल लिया है और खाते हैं। हमी तो है तुम्हारे घर, तभी तो है तुम्हारे पास, ना छोड़ो कभी हमारा साथ, कभी ना कभी तो नजर आ।